फेफड़ों में गंदगी जमा होना, जिससे कि सांस लेने में प्रॉब्लम होना बहुत ही आम बात है, क्योंकि आजकल की जिंदगी में इतना ज्यादा पॉल्यूशन है और साथ ही में स्मोकिंग काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा फेफड़ों में गंदगी जमा होने लगी है, जिसकी वजह से COPD, ब्रोंकाइटिस की काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ड्रिंक लेकर आई हूँ, एक ऐसा काढ़ा लेकर आई हूँ जो कि आपके फेफड़ों को कुछ ही दिन में एकदम क्लियर कर देगा, जिससे कि आपको सांस लेने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन एक हफ्ते के अंदर ही आपको जो कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है वो भी क्योर हो जाएगी और आपके जो लंग्स होंगे अंदर से साफ हो जाएंगे। जिस तरीके से हम लोग अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, उसी तरीके से हमें अपने लंग्स को डिटॉक्स करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए जानते हैं आज अपनी इस वीडियो में कि वो काढ़ा कैसे बनता है। फ्रेंड्स, दिस इज डाइटिशियन सुधा मारे फ्रॉम सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग आजकल जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर गंदगी होना बहुत ही आम बात है। काफी लोग तो ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, जिसकी वजह से ब्रीथ करते टाइम काफी ज्यादा जो पॉल्यूशन होता है वो हमारे लंग्स में आ जाता है। और साथ ही में काफी लोग स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग भी दो तरीके की होती है, एक्टिव स्मोकिंग एंड पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग में पर्सन खुद स्मोकिंग करता है, जिसकी वजह से उसके लंग्स में वो धुआं जाकर के इकट्ठा होने लगता है और जिससे कि जो वेन्स होती है वो ब्लॉक होने लगती है। पैसिव स्मोकिंग वो है जब आप लोग किसी ऐसे इंसान के पास बैठे हो जो कि स्मोकिंग कर रहा हो। सिर्फ स्मोकिंग करने से हमारे लंग्स ब्लॉक नहीं होते हैं, जब हम लोग किसी स्मोकिंग करने वाले के पास में अक्सर रहते हैं, जो कि हमारे जैसे कि हमारे घर में आसपास में कोई जब स्मोकिंग करता है तो उसके साथ रहते रहते वो धुआं जो होता है हमारे भी नोज के थ्रू जाकर के हमारे लंग्स में इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। और वो जो सिगरेट का धुआं होता है वो हमारे लंग्स में जाकर के इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम या ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम या COPD की प्रॉब्लम होना आम बात है। तो आज इस वीडियो में आप लोग को एक ऐसा काढ़ा बताऊंगी जिसको पीने के बाद में आप लोग के जो लंग्स आपके बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। इवन सर्दी के मौसम में अगर कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है तो वो भी काफी हद तक ठीक हो जाएगी। जिनको लंग्स में प्रॉब्लम होती है, जिनके लंग्स डिटॉक्सिफाई नहीं हुए होते हैं, काफी ज्यादा टॉक्सिन्स होते हैं, तो उन्हें ब्रीथ करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, खासतौर पर सर्दियों के मौसम में, जैसा कि आजकल मौसम चल रहा है। तो ऐसे में अगर आप लोग ये काढ़ा लेते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते हैं तो भी आप घर से बाहर तो जाते हैं, जो आप लोग व्हीकल से धुआं निकल रहा है वो तो आपके नोज के थ्रू आपके लंग्स में जा रहा है, जो कि धीरे धीरे करके इकट्ठा हो रहा है और एक टाइम आने के बाद वो इतना ज्यादा जम जाता है कि उससे ब्रीथ करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और आगे चल करके आपको कोई ना कोई लंग्स से रिलेटेड डिजीज हो जाती है। जैसा कि कोविड का टाइम भी आ रहा है फिर से लौट करके, इस टाइम पर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना और साथ ही में अपने लंग्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लंग्स को स्ट्रांग करने के लिए आप लोग बैलून को फुला सकते हैं, जिससे कि आपकी लंग्स की जो कैपेसिटी होगी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसको करके भी आप लोग अपने लंग्स को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं और अपने लंग्स को स्ट्रांग और एक्टिव कर सकते हैं। ये तो एक नॉर्मल तरीका है, बट उसके साथ में अगर आप लोग ये काढ़ा लेते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है आपके लंग्स को स्ट्रांग करने में। इस काढ़े में मैंने जिन भी इंग्रीडियंट्स का यूज किया वो सभी हमारे घर पर इजिली अवेलेबल है, और ये सभी काढ़े हमारे बॉडी को अंदर से डिटॉक्सिफाई करते हैं और उसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करते हैं और स्ट्रॉन्ग करते हैं और अंदर की सारी गंदगी को बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मैंने इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है। तो इसमें पहला नंबर आता है अदरक। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी को अंदर से डिटॉक्सिफाई करता है। साथ ही में इसमें मुलेठी मैंने यूज किया है, जो कि आपको कफ एंड कोल्ड से बहुत ज्यादा फायदा करेगा और आपके लंग्स को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसके साथ में मैंने इसमें लेमन यूज किया है और साथ ही में मैंने इसमें हनी यूज किया है। हनी सिर्फ टेस्ट को इनहेंस करने के लिए नहीं यूज किया है, हनी जो होता है उसकी तासीर गर्म होती है, जो कि हमारी बॉडी को अंदर से हीट प्रोवाइड करती है और जितना कफ एंड कोल्ड होता है या जो लंग्स में ब्लॉकेज होता है उसको क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और साथ ही में जो विटामिन सी है ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है, जो कि आपके फेफड़ों को मजबूत करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। साथ ही में मैंने इसमें बड़ी इलायची को भी यूज किया है इस काढ़े को बनाने में। तो इन सब इंग्रेडिएंट्स को जानने के बाद में और इस काढ़े के फायदे को जानने के बाद में चलिए जानते हैं आखिर ये काढ़ा बनता कैसे है। तो चलिए चलते हैं मेरे किचन में और जानते हैं इसकी रेसिपी। फेफड़ों को साफ करने और सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए जो काढ़ा है इसमें मैंने अदरक लिया है और एक इलायची ली है जो कि बड़ी इलायची है। साथ ही मैंने इसमें मुलेठी की एक छोटी सी स्टिक ली है और साथ ही मैंने इसमें नींबू लिया है। आप चाहें तो मुलेठी का पाउडर भी ले सकते हैं, ऑनलाइन मैंने आपको लिंक्स पहले ही बता रखी है। और साथ ही में मैंने इसमें पानी लिया है। अब हम लोग को बनाने के लिए सबसे पहले ये करना है कि एक फ्राई पैन लेना है। फ्राई पैन में हम एक ग्लास पानी डालेंगे
और उसको डालने के बाद में जब तक वो हल्का गुनगुना गर्म होना तब तक हम लोग सारे मटेरियल को हल्का सा तोड़ लेते हैं। जैसे कि हम लोग बड़ी इलायची को कूच कर अलग कर लेते हैं ताकि उसके दाने खुल कर के बाहर आ जाएं। अदरक को कूट लेते हैं, मुलेठी को भी कूट लेते हैं और अब हम लोग धीरे धीरे एक एक करके जो हल्का सा पानी गुनगुना हो उसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले अदरक को इंक्लूड करना है, फिर हम लोग मुलेठी को इंक्लूड करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर पाउडर भी डाल सकते हैं और इसके बाद हम लोग इसमें बड़ी इलायची को डालेंगे। इसके बाद में हम लोग को लेमन और हनी लास्ट में इंक्लूड करना है। इसको अब हम लोग बंद करके धीमी आंच पर पकाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो एक ग्लास पानी है ये आधा ग्लास या एक कप नहीं बचता है। अब हम लोग इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। स्ट्रेन करने के बाद में जो हमें सबसे पहला काम करना है वो ये है कि इसमें जो मेन बेसिक इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे फेफड़ों को साफ करने में और उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करने वाला है वो है लेमन। इस लेमन को हम लोग स्क्वीज़ करेंगे अपने इस काढ़े में। आप लोग को अगर लेमन से एलर्जी तो आप लोग उसको ऐसे ही पी सकते हैं और इसमें आप साथ में आपको शहद इंक्लूड करना है। मैंने शहद इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मुझे शहद का टेस्ट ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं इसे लेमन के साथ ही लेना पसंद करती हूँ। आप इसमें शहद और लेमन दोनों को यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ लेमन या शहद को यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप इस काढ़े को कैसे लेना चाहते हैं। आप लोगों ने कितना आसान है इस काढ़े को बनाना, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सभी इजीली आपके घर में अवेलेबल होंगे। होप आपके पास में मुलेठी अवेलेबल नहीं होगी तो आप मार्केट में किसी भी पंसारी की दुकान से इसको आप लोग ले सकते हैं या आप लोग ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप इसको परचेज कर सकते हैं और इसको अपने काढ़े में जरूर से यूज करिए क्योंकि लंग्स को डिटॉक्सिफाई करने में जो मेन रोल होता है वो है आप लोग की मुलेठी का और साथ ही में बड़ी इलायची तो बहुत ज़्यादा फायदा करती ही है। तो इस काढ़े को जरूर बनाइएगा और अपने रिजल्ट्स को मेरे साथ जरूर शेयर करिए क्योंकि एक हफ्ते में आपके लंग्स का डिटॉक्सिफाई होना और आपके कोल्ड एंड कफ का जाना तो तय है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना और अपने मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बिल्कुल हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।